की आज रोमियो गमई की एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बनने जा रही है, जिसका मुहूर्त साफ रखा गया है, जिसमें हमारे बीच में बहुत सारे दिग्गज विश्व पितामह हमारे गुजरानी जहाँ उपस्थित है। तो लीजेंड आप जानते ही हैं, परिचय की मुताल नहीं है। गांधी जी, बंसोर जी, कुलकर मैडम जी, ठाकुर साहब, हेमंत शुक्ला जी, सभी हमारे बीच में, यश भाई, वासु जी, सब उपस्थित हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा संक्षिप्त में उसकी कहानी के बारे से, उसके बाद आगे का संक्षेपण शुरू करेंगे। रोमियो गमई के एक छत्तीसगढ़ के परिवेश में गांव की एक कहानी है। एक अनाथ बच्चा जो अपाहिज रहता है, उस पर से कहानी शुरू होती है। जो प्रताड़ना समाज का रहता है, छोटे छोटे गाँव में गरीबी से, जाति भाव से, बहुत सारे बातों से प्रताड़ना शुरू होता है। अपाहिज के ऊपर से कहानी शुरू हुई है। मुकेश कुमार साहू नाम है सर मेरा, और मैं दुर्गा से हूँ, और कृष्णा भैया मेरे को विलन के लिए लिए। सुमित पटेल गांव का ठौकिया, और सर जी के साथ इसका पुराना मूवी संगीत समाज। भाई नागपुर से ऑडिशन में सेलेक्ट हुए। मैं राजकुमार नागपुर से, भैया ने अभी काम करने का अवसर दिया है मुझे, मुझे से नया कलाकारों पे भरोसा देता है। मैं लखना देवंगन ग्राम पेंडरवाड़ी से, और मुझे भैया ने पहले बार इतना सेलेक्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं दूंगा निर्माता निर्देशक पूरी टीम को, जो आज इतना अच्छा टाइटल, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा लोगों के मुंह में आएगा धोनी धोनी। आज जो इन्होंने संक्षिप्त में कथा बताई, वाकई में कथा बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ कि ये कथा और जो भी मत बताओ, इस कथा को अपने मन में रखो, क्योंकि इतनी अच्छी कथा कोई भी चोरी कर देगा। मैं सही बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छी, मैं दिल से तारीफ कर रहा हूँ। यहाँ हमारे बैठे अशोक तिवारी जी, रंग रसिया रंगोवती के निर्माता, गीतकार, गायक, सब कुछ है हमारे। आज उनकी पिक्चर भी आ रही है, और आज जो नए कलाकारों को प्रोत्साहन उत्साहित करने वाले हमारे सम्मानीय बंसोड़ जी, सोनकर जी, सब हमारे सफेद जी भी अपना पूरा सब जीवन दे दिया कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए। यहाँ बैठी है हीरोइन पाली कुछ जी, हेमा चोपड़ा जी,
लड़की सिंगर पूजा श्री और सभी तमाम मेरे मित्रों भाइयों, बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक भी सलाह दूंगा, जहाँ भी करो सिर्फ एक ही लोगों को पकड़ो, अपना बजट बहुत बन जाएगा। माता निर्देशकों को बधाई, आप लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। और पर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह हम एक घर का कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो बिल्डिंग तो बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है, पर जो घर मालिक है वो फंसता है फिनिशिंग वर्क में जाते हैं, क्योंकि फिनिशिंग वर्क जो होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है, तो घर जो खड़ा हुआ है उसकी लागत से 2 गुना पहुँच जाता है, 3 गुना पहुँच जाता है, कोई लिमिट नहीं होती है। तो जैसे मोहन भैया ने भी अभी एक बहुत अच्छी बात बोली कि जहाँ पर भी हम शूट करें, लोकेशन जो भी अपन तय करें, थोड़ा तो एक ही जगह हो, बहुत ज़्यादा अपने को ट्रैवलिंग करने वाली कंडीशन ना हो और बहुत ज़्यादा बार बार चेंज ना हो। जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही, इससे बजट भी कंट्रोल होता है और अपन इस तरह से आगे बढ़े कि जो अपना फिनिशिंग लेवल आए तो हम खाली हाथ ना रहें, क्योंकि फिनिशिंग भी करना है। पैसा लेके बनाना अलग बात है, जगह पैसा उन बनाते हैं, लेकिन अभी मैं देखा बहुत ज़्यादातर कलाकार उन फिल्म बनाते हैं, ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े बात है। पहली बार है ये पैसा वाले और फिल्म बनाए और आज हमारे बीच में 8 दिन जो टीम देखा तो मैं बड़ा खुश हुई बोला कि सब कलाकार के टीम मिलते अपन फिल्म बनाते हैं। तो मैं टीम के जितना जो सदस्य कृष्णा सिंह सिन्हा जी निर्देशक आप मल्ला और रोमियो गवई के जितना कलाकार है सब मैं बधाई देता हूँ। और अपन तरफ से जोन बोला, जब भी बोला आवश्यकता पड़ी मोर जी से छोटे आदमी के, मैं सदा आपके साथ में हूँ। और मैं आप लोग पुनः एक बार और एक अपन तरफ से बताना चाहूँ, जब शुरू करें है ना आज जितना उत्साह था, ये उत्साह आखिरी दिन तक उसके रहना चाहिए, ये बात ना ध्यान रखना। एक बीच में छोटा मोटा बीच मात रहते हैं, अगर हमारे बीच में होते कि कभी कभी बीच में छोटा मोटा मनमुटाव आ जाते, अपन आज से कसम खा के चलना है कि छोटे मोटे मनमुटाव आए ना वो ना छोड़ करके हम लोग फिल्म में काम करना, वो आखिरी तक वो चीज़ बने रहे, तब जाके हम वो सच्चा अपन सिपाही बनबो, सच्चा बनबो और सच्चा फिल्म बनाने वाला बनबो। काबर के हमारे जो फिल्म अभी जितना जन बना थे ना वो सिर्फ टीम वर्क में ही बनाते, और जिन टीम वर्क में नहीं बनाते ना जिन आप देखो कितनों फिल्म मत आज बने बुना है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो फिल्म पूरा नहीं कर पाते, काबर मालूम मन नहीं बना, अब कुछ नहीं सब कुछ है वो घर में। तो आप जितना आज आज जितना उत्साह से आज हमारे टीम जन जुड़े हैं, रोमियो गवई के गवई के रोमियो है, ओखर मन से पूरा मैं निवेदन करूँ कि आप सब जन मन आज जितना उत्साह साथ जुड़े हो ना, सब त्यागो, कुछ चीज़ छोड़ो, कुछ चीज़ पकड़ो, ऐसे करके बढ़िया फिल्म बनाओ और आपको सब फिल्म लखन हो भाई। बोलो माँ सरस्वती की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की जय। बुलाने दो, उसके बाद ना सिर्फ एक बार में सब लोग ऊपर देखना, कैमरा थोड़ा ऊपर करके देखना, ऊपर से लोग देखे काम से नीचे है ना, बोलो छत्तीसगढ़ माता की जय बोलने के, तो ऊपर छत्तीसगढ़ माता की जय। अच्छा आप सब जो आज आप ये